हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक्चुअली ये नाइट का कुछ क्लिप मैंने लिया था, तो हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया है, तो ये सब डिनर के बाद की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने करी थी। तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग सोने चले जाएंगे। ऑलमोस्ट 10:30 हो ही रहा है, 10:30 से ज़्यादा हम लोग नहीं जगते हैं, मतलब 11 बजे तक में हम लोग को सोना ही रहता है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जल्दी उठना होता है ना बच्चे के लिए, इसी वजह से। और देखिए इसकी आँखों में तो नींद ही नहीं है जैसे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की रूटीन है, और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, एक्चुअली 6:30 के बाद का टाइम है। तो मैं जल्दी जग गई थी, तो मैं थोड़ी सी मतलब 5-10 मिनट के लिए फ़्रेश होने के लिए मतलब छत पे चली गई थी। थोड़ी सी ये हवा ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुबह की जो ताज़ी ताज़ी हवा रहती है ना, एकदम शांत माहौल रहता है। और सबसे अच्छा लगता है ये पिजन को देखना मेरे छत पर, ये रोज़ आते हैं, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कुछ लेक देखने में लगती है मेरे छत के ऊपर से व्यू। और सुबह ये बादल आप देख सकते हो, जैसे लग रहा था कि मौसम भाई ऐसे ही मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रह रहे हैं। अभी बादल दिखाई देगा, कुछ देर बाद हट जाएगा, फिर धूप आ जाएगी, ऐसे ही होते रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए कैसे काले काले से बादल नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो मौसम ठीक है, बारिश तो अभी नहीं हो रही है। और आ जाते हैं अपने डेली वाले वही रूटीन में। तो डेली के वही रूटीन रहते हैं, 7:30 के अराउंड ये हो रहा है। तो बेटा मेरा जग चुका है, और मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए कुछ ये ब्रेड टोस्ट वगैरह बना रही हूँ, और बेटे को भी मैं यही दूंगी, लेकिन वो कुछ लेता नहीं है, वो सिर्फ दूध पीकर ही जाएगा। वो इतनी मॉर्निंग में ना कुछ खा ही नहीं पाता है, तो थोड़ा बहुत तो जो भी हो एक दो बाइट ही लेगा, वो भी नहीं शायद लेगा, वो ब्रेड अभी पसंद ही नहीं कर रहा है। तो बटर के साथ सिंपल, और थोड़ा सा मैं चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, इससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर तो नहीं, कम से कम आधे घंटे तक आपको भूख तो नहीं लगेगी दो टोस्ट अगर आप ले लेते हो। तो मैं इसको चाय के साथ लूँगी अभी। इसके पहले मैंने ना एक बनाना खाया था, और ड्राई फ्रूट्स में आमंड्स लिए थे, और उसके बाद ही मैं छत पे गई थी। तो उसके बाद का ये रूटीन है, तो ये रहती है। तो मैं खाली पेट तो ज़्यादा देर नहीं रह सकती, और मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है कि ज़्यादा देर तक गैप ना रखने के लिए। तो इसी वजह से मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ हर 2-3 घंटे में। तो सुबह की हड़बड़ी में ज़्यादा कुछ बनाना पॉसिबल तो नहीं होता है, 7:30 इतना सुबह मॉर्निंग में खाया भी नहीं जाता ज़्यादा। तो ये टोस्ट, एक्चुअली ये ब्राउन ब्रेड है, तो मैं वाइट ब्रेड अवॉइड ही करती हूँ। वाइट ब्रेड मेरा बेटा पसंद करता है, लेकिन अभी वो कोई भी ब्रेड नहीं ले रहा है। तो ये रखी हुई थी, मुझे फिनिश करनी थी, इसलिए जो भी बचा था मेरे फ्रिज में, तो मैंने इसको संग सब सेक डाला है। और ये मैंने चाय चढ़ा दी है इधर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट जो भी कंटेंट बनाती हूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और ये ऑलमोस्ट मेरी और टोस्ट बन के तैयार हो चुकी है, और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। और बच्चे की बस 1-2 दिन एग्ज़ाम होगी, मतलब फ्राइडे तक होगी, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं, कम से कम 1-2 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद फिर से उसका एक एग्ज़ाम होगा, दुर्गा पूजा के पहले एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका। तो उसकी फिर से तैयारी मुझे शुरू करवानी होगी।
और चाय और टोस्ट लेने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में, और तब तक ये लंच के लिए प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। तो ओल की आज दो तरह की सब्ज़ी बनाऊंगी, दो तरह की मतलब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए सरसों डालकर आलू के साथ इसको बनाऊंगी। वो वीडियो मैं ज़रूर से, इसी में मैंने शेयर किया हुआ है, तो अंत तक आप वीडियो को ज़रूर से देखें। और एक्चुअली इतनी बड़ी ओल लेकर आए थे कि मतलब 2 दिन तक मेरा चल गया, 1 दिन में पूरा ओल खाया भी नहीं जाता उतना। तो थोड़ा सा मैं ना मतलब इसको बॉईल कर दूंगी अच्छे से आलू के साथ, और ये जो भी ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ना, एक्चुअली ये 2 दिन हो गई थी, 2-3 दिन, तो इस ऊपर ऊपर ऐसे ना ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, उसको मैं निकाल रही हूँ अच्छे से। इसको निकालना भी चाहिए, ये खाना अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए, ये बहुत ही ख़राब है। तो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हो, उसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, अच्छे साफ पानी से इसको धो दूँगी, और संग संग मैं ये प्लेटफॉर्म वगैरह जो है क्लीन करती रहती हूँ। तो इससे ना मतलब गंदा नहीं होता, आपका किचन साफ़ सुथरा रहता है अगर आप संग संग सब कुछ सेपरेट, मतलब जो भी उसके छिलके वगैरह निकलते हैं ना सेपरेट, अगर आप इंस्टेंट कर दो अलग, तो ज़्यादा मुसीबत नहीं होती बाद में, फिर काम नहीं बढ़ता है। तो मैं बाद के लिए कुछ काम नहीं रखती हूँ, जैसे ही दिखता है मुझे कोई काम तो मैं फटाफट से वहीं पे फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ आलू मैंने लिए हैं, जो कि हमारा लंच भी इसका हो जाएगा, सब्ज़ी हमारी रात को भी हो जाएगी आराम से, मैं रात के लिए अलग से कुछ नहीं बनाऊँगी। और ये देखिए ऑल को क्यूब्स में, ज़्यादा छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, एकदम मीडियम साइज़ में मैंने कट किया है, और ज़्यादा नहीं, बस एक सीटी लगाऊँगी और दूसरा सीटी आने के पहले ही मैं बंद कर दूँगी, और मेरा ऑल और आलू अच्छे से जो है पक जाएंगे, गल जाएंगे। ये ज़्यादा गलने में टाइम भी नहीं लेता है, और ये सब्ज़ी ज़्यादा बनने में टाइम भी नहीं लगाती है। हाँ, बस आपको पहले से जो है उबाल कर रेडी करके रखना होता है। और मसालों में मैंने सरसों 2 स्पून के करीब, गार्लिक आप अपने मसाले की जो क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग गार्लिक आप दे सकते हो, मैंने 7 से 8 कलियाँ गार्लिक की, और एक हरी मिर्च उसको अच्छे से जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस के सेपरेट रख दूँगी। और ये वेटर मेरा उठ गया था, तो ज़िद कर रहा था कि उसको कलर करना है, वैसे आज स्कूल में उसकी ड्राइंग और क्राफ्ट भी है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो कर लो। तो ये लेके बैठा है अभी ये खुद से ही मतलब बोलता है कि मामा मुझे पढ़ाओ, तो मैं थोड़ा सा जब थक जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ या नींद ले लूँ, तो उसी समय इसको ना पढ़ाना होता है, ये बोल उसी समय मुझे जिद करता है कि नहीं मुझे पढ़ाओ। तो वैसे ये नींद तो होती है नहीं, वो थोड़ा सा आराम में करना चाहती हूँ, मतलब सुबह से लेकर के 11 बजे तक तो खरीद रह कर ही खाना बनाओ, ये करो वो करो, बच्चे को देखो, उसके बाद थोड़ा मन करता है कि नहीं रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका भी फरमाइश पूरा करना होता है, जिसको इसको जिस टाइम में पढ़ना होता है उसी टाइम में ही पढ़ेगा। मैं जिस टाइम में बोलूँगी शायद इसका मूड ना हो पढ़ाई का, इसलिए मैं इग्नोर नहीं करती, मैं वो जब बोलता है पढ़ाने को तब मैं पढ़ा देती हूँ। और जब तक ओल और आलू उबल रहे हैं, तब तक मैं आटा अच्छे से लगा दूंगी, ताकि मैं रोटी बना लूं कुछ सुबह के लिए। तो जो टोस्ट मैंने बनाए थे वो उससे खाकर तो मतलब 11 बजे तक मैं नहीं रह पाऊंगी, और बच्चे के लिए भी, खुद के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी रोटी बना लूंगी। और ये रोटी मेरी मतलब सारी फिनिश नहीं होती है, वो रह जाती है शाम तक, हम इसको फिनिश कर रहे, अगर शाम को भूख लग जाती है तो ये काम आ जाएगी हमारी, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना कर रख देती हूँ, 2-3 एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत पड़े तो ये काम आ जाती है। और ब्रेड एक टाइम हम लोग लेते हैं, या फिर सुबह में या फिर शाम को, 2 टाइम अच्छा नहीं लगता, इसलिए सुबह में हड़बड़ी रहती है बोलकर हम ब्राउन ब्रेड मंगवा के ही मैं रखती हूँ,
ताकि जब भूख लगे तो तुरंत से झटपट से टोस्ट बनाकर खा सकते हैं। तो बाहर के रेडीमेड खाने से अच्छा है कि आप इस तरह से अगर आप सोच समझ कर फ्रिज में स्टोर करो ना सामान वगैरह खाने की, तो सोचना नहीं पड़ता है और हम लोग जंक खाने से भी बच जाते हैं। और बाहर के तले खाने से अच्छा है कि घर में थोड़ा सा मेहनत लगता है, हाँ थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन हेल्थ के लिए ये अच्छा है। और फटाफट से मैं यहाँ रोटियाँ बेलती जा रही हूँ, और इधर अभी बेल बजने ही वाला है, अभी दूध वाले भैया भी आ जाएंगे, उनके अभी आने का टाइम हो ही चला है। तो डेली की एक ही रूटीन मेरी रहती है, यही सेम वाली। और फ्रेंड्स, मेरी ये व्लॉग्स आपको कैसी लग रही है, आप लोग कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर से बताना, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। और आप किस तरह की ब्लॉग्स देखना पसंद करती हो, कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद करती हो, वो मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखिए, ये पहली जो ओल मैंने इसमें डाला ना, ये मैं भरता जैसा बनाऊंगी, जैसे आलू का भरता बनाते हैं ना, आलू का चोखा टाइप, उसी तरह ओल का भी चोखा आप बना के देखना। सरसों का फ़ौरन मैंने दिया, जैसे ही मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया था तो उसमें मैंने सरसों का फ़ौरन दिया, हरी मिर्च डाला है, और ओल जो मैंने उबले हुए थे उसको मैंने इसी स्टेज में डाल दिया। उसको अच्छे से मतलब हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। हल्दी और पाउडर और नमक को इसी स्टेज में ऐड कर देंगे। नमक मैंने डाला है, अभी हल्दी पाउडर मैं डाल दूँगी, और कुछ ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। और अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स हो, धनिया का पत्ता, तो आप ज़रूर से लास्ट में ऐड कर देना, गरम मसाला लास्ट में ऐड कर देना, उसी से इसका स्वाद जो है अच्छा हो जाएगा। तो सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए ये मैं और मेरे हस्बैंड के लिए ये हो जाएगा, रोटी के साथ हम ये ले लेंगे। और इसके बाद आप देखना, मैं आलू की एक सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। मेरा बेटा आलू मतलब उस तरह से बनाओ ना तो वो खाता है थोड़ा बहुत। आज भिंडी तो घर पे थी नहीं, इसलिए ब्लिंकिट से मैंने भिंडी ऑर्डर करवाई है, कुछ ही देर में भिंडी डिलीवरी हो जाएगी, तो अगर वो डिमांड करेगा तो मैं उसके लिए बाद में बना दूँगी। तो अभी के लिए तो मैं उसको, देखिए ये मेरी ओल की सब्ज़ी बन, सब्ज़ी नहीं कहूँगी, ओल का चोखा जैसा बना है, तो ये इस तरह से आप ट्राई करके देखना, बिना ग्रेवी वाली सूखी सूखी सी, अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए कुछ इस तरह से देखने में लगेगी। और फिर से मैं मस्टर्ड ऑयल को, सॉरी बीच बीच में बोलने से ना गला गला ना फंस सा जाता है, मतलब जो है अभी वेदर की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, बीच बीच में गला फंस जाता है मेरा। तो फिर से मैंने मस्टर्ड ऑयल को कढ़ाई में डाला है, और प्याज को मैंने डाल दिया, हरी मिर्च को डाल दिया है, और आलू के साथ ही जो मैंने, सॉरी ओल के साथ जो मैंने आलू को उबाले थे ना, उसी में से थोड़ा बहुत आलू, मैं दो तीन आलू निकाल कर, दो तीन आलू मतलब क्या, मतलब एक आलू के दो पीसेस किए थे, तो वही हाफ आलू, तीन हाफ आलू मैं लूँगी। और ये देखिए, ये बेटे के लिए मैं बनाऊँगी, और इसी में उसका हो जाएगा, और इसी आलू के साथ वो खा भी लेगा। तो हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे, नमक हल्दी इसी स्टेज में ऐड कर देंगे, और इसमें रेगुलर के जो मसाले आते हैं, जीरा, धनिया, गरम मसाला, ये सब मैं इसको इसी स्टेज में ऐड कर दूँगी। इसमें टमाटर वगैरह मैं नहीं डालूँगी।
और ये सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी बन कर के हो गई है तैयार। और ये सब्ज़ी मेरी भी फेवरेट है, इसको पराठे के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हल्के हाथों से मैं अभी गैस स्टोव को पोंछ दूँगी, इसको अच्छे से साफ़ मैं बाद में करूँगी जब मेरा पूरा लंच बन जाएगा, तब मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये जो आप ब्लैक ब्लैक सा देख रहे हो ना, ये लोहे के नीचे ये स्टील का, ये एक्चुअली गोल्डन कलर का था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या चीज़ से साफ़ किया, उसके बाद से ये ब्लैक ब्लैक हो गया। ये गंदा नहीं है, एक्चुअली कलर ही इसका ऐसा हो गया है, डिसकलर सा हो गया है। अच्छा, मैं अभी ना सरसों वाली आलू और ओल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सेपरेट जो उबले हुए ओल हैं उसको मैंने तेल में डाला है और उसको अच्छे से मैं नमक हल्दी डालकर फ्राई कर लूँगी। मेरे जो आलू थे और ओल, उसको अच्छे से मैंने अच्छे से मतलब नमक हल्दी के साथ फ्राई करके सेपरेट फ्राई किया था। दोनों को एक साथ मत कीजिएगा आप, अलग अलग कीजिएगा। और अभी थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने दिया, अभी मसाले में फ्राई करूँगी। तो हल्दी का पाउडर मैंने डाल दिया है, आँच आप बिल्कुल लो में रखना क्योंकि मसाले जल सकते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाएगा। और फिर जो मसाले मैंने तैयार करके रखे हुए थे, सरसों लहसुन और मिर्च का, बस उसको इसी स्टेज में मैंने डाल दिया है। और तेल जब तक ना छोड़े मसाला तब तक आपको उसको धीमी आंच पे भूनते रहना है। तो देखिए मेरा मसाला जो है तेल छोड़ रहा है। जीरा धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया इसी स्टेज में, कोई टमाटर नहीं ऐड करूँगी और ना ही टमाटर के साथ ये सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। मैं ऐसे ही इसको बना रही हूँ बिना टमाटर के ही। और देखिए ऑलमोस्ट मेरे जो मसाले हैं वो भुन चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आ रही है मसालों से। अब आलू और ओल के साथ इन सारे मसालों को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, मतलब मिला लेंगे इसको, अच्छे से चला लेंगे और कुछ ही मिनटों में आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखा आपने झटपट से कैसे मैंने, अगर सब कुछ रेडी करके रखा हो ना तो झटपट से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है इस तरह की। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट लिखकर ज़रूर से बताना। और ये देखिए मेरे जो बर्तन में तेल लगे हुए थे ना, उसको भी मैंने अच्छे से उसमें पानी डालकर उसको ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अब अच्छा सा एक उबाल आ जाएगा ग्रेवी में, तो उसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि जब आप आलू और ओल को सेपरेट भूनते हो ना नमक के साथ, तो ध्यान से ऐड करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अगर चला जाएगा ना तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा सब्ज़ी का। तो बॉयल आने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। देखिए इसको मैंने ढक के रख दिया है और 7 से 8 मिनट के बाद मैक्सिमम 10 मिनट तक आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस और कुछ नहीं, गैस स्टोव ऑफ़ कर दीजिएगा और एक लेमन आप ऊपर से स्क्वीज़ कर दीजिएगा, उसी से इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर ट्राई करें इस रेसिपी को तो ज़रूर से मुझे कमेंट लिखकर बताना।
मिलती हूँ जल्द ही आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।